कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार शाम 4 बजे विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया। बिल्कुल उचित फैसला है। मेरा मानना है कि संविधान की और लोकतंत्र की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखी है। येदियुरप्पा सरकार बिल्कुल अनुचित और असंवैधानिक सरकार थी और जनादेश के खिलाफ थी। मेरा ये मानना है कि जनता दल और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो आपस में मेजॉरिटी कमांड करते हैं। गवर्नर साहब का जो फैसला था सरासर अनुचित था, संविधान की रूह से, सियासत की रूह से, राजनीति की रूह से प्रेरित लगता है। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज इट्स अ क्विक डिसीजन। इट विल हैपन क्विकली एंड देयर विल बी नो चांस ऑफ ट्राइंग टू यू नो सेल और सेल। देयर विल बी नो सेल अपॉर्चुनिटी। सो इट्स अ गुड, वेरी गुड डिसीजन एंड आई होप दैट इट विल ब्रिंग आउट द राइट पिक्चर। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मूल सिद्धांत है उसको माना कि इसका निर्णय कि बहुमत किसके साथ है सदन के पटल पर ही होना चाहिए, अदालत के कॉरिडोर्स में भी नहीं हो सकता, राजभवन के लॉन्स पर भी नहीं हो सकता। किसके साथ बहुमत है, बहुमत का निर्णय केवल और केवल सदन के पटल पर हो सकता है और ये निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि असमंजस की स्थिति समाप्त हो। ये बहुत ही ऐतिहासिक अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। हम जिस मांग को लेकर के आधी रात को उच्चतम न्यायालय गए थे, दोनों मांगे हमारी उच्चतम न्यायालय ने मांगी।